हे गाइस, वेलकम टू यशवी कुमारी व्लॉग्स। और ये क्लिप है इवनिंग की, मैं कहीं किसी के घर पे आई। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू यशवी कुमारी व्लॉग्स। एंड आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ इवनिंग से। आज अभी ना हम कहीं गए थे, किसी मिलने वालों के यहाँ पे गए थे, तो बस मैंने थोड़ी सी वहाँ से क्लिप इसलिए शूट की थी कि ताकि मैं मतलब बता दूँ कि मैं कहाँ थी। एंड अभी बस हम लोग वापस घर जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा रुकी हूँ मैं कहीं पे, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। एंड पीछे हमारा बाबू बैठा है, दक्ष हेलो कर दो। सो अभी खाना वगैरह तो मैं बना के आई थी घर से, और आज है संडे गाइस। तो बर्थडे वाला ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया, आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स आए, बहुत खुशी होती है गाइस मुझे। एंड आप इस तरह से मेरे व्लॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बस आज अभी ब्लॉग की शुरुआत कर दी है मैंने, तो ये व्लॉग कल तक कंटिन्यू करूँगी मैं, क्योंकि अभी तो हो गई है रात, और रात में तो मैं आपको क्या ही दिखाऊँगी ज़्यादा। तो बस अभी मैं घर जा रही हूँ गाइस। चंबल की बोट और ये ड्रैगन है ना ये हमारा रिवर फ्रंट वाला रोड गाइस, मतलब ये हमारी वो, हाँ बारिश आ रही बाहर, हाँ बारिश आ रही है, देखो कितनी सारी भीड़ लग जाती है इस वाले रोड पे, बारिश है। अरे ये फाउंटेन का स्प्रे इतना ज्यादा, बारिश नहीं है इतना ज्यादा स्प्रे, बारिश लग रही है। मैंने ना रास्ते में से एप्पल लिए थे गाइज, उसके बाद में मैं घर आ गई थी, मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद मैं थोड़ी सी देर में देख रही हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गाइज मैं आ गई हूँ घर पे, पीछे मेरे कपड़े सूख रहे हैं, इग्नोर करना क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, ऐसा हो रहा है। तो मैं घर पे आने के बाद में मैंने क्या क्या किया वो मैं आपको दिखा देती हूँ, नाइट टाइम का जो रूटीन होता है मेरा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ना मैंने भिगोए हैं चिया सीड है इसके अंदर, और वो है बेजिल सीड्स, दोनों तरह की सीड्स हैं इसके अंदर। तो ये मैं भिगो देती हूँ रात में, ओवरनाइट भीग जाते हैं, फिर सुबह मैं इनको खाती हूँ, मतलब थोड़ा सा पानी में मिक्स करके और इसको पानी में पी लेती हूँ। सबसे पहले तो गाइज ये मैंने ना दही जमाने के लिए दूध गर्म किया है, तो मैंने इस लोटे में निकाल दिया है। अभी ये ना नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा ना थोड़ा सा, तब मैं इसमें जामुन लगा दूँगी, तो इसको तो फिलहाल ढक देते हैं जाली से। एंड यहाँ पर ना मैंने भिगोए हैं मूंग, और यहाँ पे मैंने भिगोए हैं चने, तो ये है ना मैं इसके ऊपर इसको रख देती हूँ। रोल मेरी किचन वगैरह सब क्लीन है, थोड़ा सा बस ये अभी मैंने फ्रूट कट किया था गाइस, एप्पल खाया था मैंने, तो वो काला नमक और नाइफ सब पड़ा हुआ है। बाकी का जो ब्लॉग है वो आपको मिलेगा मॉर्निंग का देखने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी दिन की शुरुआत होती है हॉट लेमन वाटर से। अभी ना मैं रेडी कर रही हूँ कचुम्बर सैलड, तो इसमें मैंने खीरा, गाजर, चुकंदर तो मैंने कर दिया है, इसकी हेल्प से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, तो इससे मैं कचुम्बर सैलड अच्छे से बना लेती हूँ। एंड ये सारा जो है कचरा, और मैंने ना इसमें कैबेज भी डालनी है, मुझे कैबेज भी पसंद है, तो कैबेज भी डालूँगी आज मैं। अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है, 3-4 बार वॉश करती हूँ। सच बताओ ना गाइस, तो मुझे ना जो सुबह सुबह का काम है ना वो आप सभी को दिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कई बार क्या होता है मेरे जल्दी बहुत होती है, तो मैं बिल्कुल ही वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो अभी ना मैं इस चॉपर की मदद से बहुत ही बारीक इसके अंदर पत्ता गोभी हो जाएगी, तो अच्छे से मेरा सलाद रेडी हो जाएगा। बॉइल करने के लिए रखे हैं मैंने, उसमें मैंने 2 आलू भी डाल दिए थे। सारी जो थी ना सारी दीवारें पहुँचने के लिए मेरा जो हेल्पर है ना उससे हेल्प लेकर के मैंने भी साथ में लगी तब जाकर के सफाई। अभी तो ये फैन वगैरह क्लीन करना है, ऊपर की सारी दीवारें वगैरह सब कुछ हो गई है नए सिरे से जमा दी। सैलेड ना इतना ज़्यादा यम्मी लगता है, इसमें मैंने पनीर भी डाला है, मूंग भीगे हुए मूंग मैंने रात को गलाया था ना वो भी मैंने इसमें थोड़े से ऐड कर दिए, चाट मसाला डाल दिया, काला नमक डाल दिया, हल्की सी ना मैं सोच रही हूँ इसमें ना रेड चिली भी डालूँगी, तो वो डालने के बाद में फिर मैं इसमें हल्का सा विनेगर डालूंगी खटाई के लिए, नींबू मेरे ख़त्म हो गए थे तो विनेगर डालूंगी। मैंने भिंडी को भी कट करके रख दिया है, भिंडी फ्राई करूंगी मैं। मैंने चढ़ाई है तुअर और मूंग की दाल, चढ़ा दिया है पैन। एंड यहाँ पे मैंने कर लिए हैं लहसुन को बारीक बारीक चॉप, एंड प्याज भी मैंने बारीक कर लिए हैं, तो अभी बस ये भिंडी को मैं थोड़ा सा तड़का लगा दूंगी।
सिंपल सी भिंडी बनानी है, थोड़ा सा तेल गरम करके, एंड इसी में ही थोड़ा अब मैं डाल देती हूँ तेल, बस ठीक है। अब थोड़ा गर्म होगा तब जीरा और वो डालूंगी इसमें। ना दाल भी बॉईल हो गई है गाइस, तो अब मैं क्या करूँगी इसमें ना तड़का लगा दूँगी, सिंपल से तड़का लगाऊंगी। उससे पहले ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये कटे हुए प्याज। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से तड़का लगाऊंगी, तो ये जो कटे हुए प्याज है ना ये इस तरह से ऊपर से डालेंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे तड़का। मैंने इसमें धनिया पाउडर एंड हल्दी और नमक डाल दिया था, लाल मिर्ची नहीं डाली थी। तो तड़के के साथ में लहसुन वाला तड़का लगाएंगे तो उसके साथ में मैं लाल मिर्ची भी ऐड कर दूंगी। ये जो स्पून है ना इस पर ध्यान मत देना आप, ये मेरी एक ही मैंने निकाल रखी है जिससे मैं तड़का लगाती हूँ। बस तड़का पैन भी है लेकिन वो मुझे मिलता नहीं है, पता नहीं कहाँ ही रख दिया मैंने। तो अभी फ़िलहाल तो क्या मैंने ये चम्मच अलग से ही रख रखी तड़का लगाने के लिए। तो अभी सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर ये जीरा और गैस बंद कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो घी है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। एंड उसके बाद में मैं यहाँ डाल रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अब डालेंगे इसमें हींग, और इसके बाद में चलाएंगे हम गैस क्योंकि लहसुन डाल दिया है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी हमें आँच की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा सा लहसुन डालेंगे इसमें क्योंकि लहसुन वाला ही तड़का डालने वाली हूँ मैं, और हमारे कोटा की बैच जो हींग है ना जो कचौड़ी में डलती वो वाली हींग मैंने उसमें ऐड करी है। तो हल्का सा लहसुन देखो ब्राउन होने लग गया, तो मैं गैस को ऑफ कर दूँगी वापस से। एंड यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये लाल मिर्ची, इसको थोड़ा सा चला लूँ, ज़्यादा हमको जलाना बिल्कुल भी नहीं, फटाफट से दाल के ऊपर डाल दूँगी ये। आज ना मेरी किचन में ना बिल्कुल भी जगह नहीं है गाइस, मैं फटाफट फटाफट जैसे जैसे करके ना खाना फटाफट बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का टाइम भी हो रहा है, तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई है, मतलब आज तो मैंने बम्पर वाली कुकिंग ही कर रही हूँ। हमारी भिंडी को भी देख लेते हैं, तो फटाफट से मैंने भिंडी को देखा और यहाँ पर हल्की सी ये सॉफ्ट होने लगी है। तो अब गाइज इसके अंदर ना हमको वैसे इस भिंडी को ज़्यादा नहीं पकाना होता है, थोड़ी सी खड़ी खड़ी ही ये रहे तभी ज़्यादा टेस्टी लगती है। भिंडी ज़्यादा पकी हुई मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अब इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची ऐड करेंगे, और नमक मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और धनिया पाउडर इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि धनिया पाउडर से फिर वो जो भिंडी का जो ग्रीन कलर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब डार्क हो जाता है भिंडी का, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और अभी आप देख पा रहे हैं ना सेम ऐसे की ऐसी भिंडी आप रियल में भी दिखाई दे रही थी। तो बस ये इस तरह से बहुत ही सिंपल एंड यम्मी वाली भिंडी है ना ये बनकर के रेडी हो गई है। और ये जो भिंडी है ना गाइस ये आप टिफ़िन में, बच्चों के टिफ़िन में, आप वैसे ही साइड डिश के तौर पे इसको खा सकते हैं। चलिए गाइस अब मैं कोई भी कुकिंग वाला वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं फटाफट से अब आटा लगाऊंगी, रोटी सेकूंगी एंड फिर मैं नहाने के लिए जाऊंगी। ये हमारी भिंडी की सब्जी बन गई, दूध आ गया तो मैं दूध भी गर्म कर लेती हूँ साथ के साथ, फिर किचन साफ हो जाएगा पूरा। तो हे गाइस मैं आपसे मिल रही हूँ नहाने के बाद में, और अभी पी रही हूँ पानी, बहुत ज्यादा थक गई उसके बाद। तो मैंने ना नहाने के बाद में फटाफट से गरम गरम चपातियाँ सेकी, दक्ष को मेरे हस्बैंड को खिलाई, एंड अभी मेरी मदर इन लोग को मैं रखने के लिए जाने वाली हूँ खाना। तो मैंने सोचा थोड़ी सी देर बैठ करके पानी पी लूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ पानी की प्यास लगी थी। तो ऐसे बीच बीच में आप भी अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें, बीच बीच में पानी ज़रूर पिए क्योंकि काम करते समय ना लगता है कि पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी की प्यास लगेगी तभी पानी पीना है, ऐसा नहीं सोचना है आपको बार बार पानी पीते रहना है। तो हे गाइस अब जा कर के मतलब मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद में फिर मैंने चपाती वगैरह सेकी गर्मा गर्म, मेरे हस्बैंड को, दक्ष को खिलाई, एंड मेरी मदर इन लोग को भी मैं खाना रख करके आ गई हूँ। तो अभी जा कर के अब बैठी हूँ मैं, और
बस थोड़ा सा रेडी हो गई थी, सिंपल सा। और मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा मैं लेटूंगी, उसके बाद ना मैं एक कप कॉफ़ी बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मैं पी लूँ तो अच्छा लगेगा मुझे थोड़ा थोड़ा। एंड अभी ना हल्की हल्की सी सर्दियाँ टाइप की हो, जिससे दिवाली वाले मौसम होते हैं ना वैसे आने लग गए हैं, तो मुझे ना बड़ा मन करता है बार बार कुछ ना कुछ गर्म गर्म सा पीने का। ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी पीने का मन करता हो, कुछ भी, जैसे गर्म पानी में अदरक डाल दिया या सिनेमन डाल दिया, उसमें लेमन डाल दिया थोड़ा सा, और ऐसे करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे गर्म गर्म सी चीज़ कुछ कुछ पीऊँ तो गला भी साफ रहता है और अच्छा भी लगता है। गाइस मैंने बना ली है अपने लिए शानदार वाली कॉफ़ी, विदाउट चीनी की है ये, विदाउट जैगरी पाउडर की है, तो मुझे ऐसी वाली कॉफ़ी। अभी बज रही है 11:15, तो वैसे मैं पीती नहीं हूँ इतना, लेकिन आज तो मेरा सर बड़ा ही दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी बना करके और थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। एंड मैं देख रही हूँ टीवी, दक्ष लगा रहा है, अभी तो इसकी आज छुट्टी थी तो दक्ष लगा रहा है, उसकी जो भी चीज़ है उसको फेवरेट है, तो मैं उसको मना भी नहीं कर रही हूँ, देखो आराम से खूब ठोक करके टीवी कंटिन्यूसली टीवी देख ही जा रहा है गाइस, ये इतना ज़्यादा टीवी देख रहा है दक्ष। बट कोई नहीं, अभी फिर इसको कल स्कूल भी जाना है, तो कल स्कूल जाएगा, परसों फिर छुट्टी है गांधी जयंती की, उसके बाद नवरात्र स्थापना की छुट्टी है, तो 2 दिन की छुट्टी फिर से आ रही है, तो देखते हैं कि 2 दिन की छुट्टियों में हम लोग क्या करते हैं। नहा लिए आप? Yes. वाओ, तो अभी आपने तो ऑयलिंग नहीं करी है, कॉम्ब भी नहीं किया है, है ना, सीधे बस खा करके सोने का काम है अभी तो। फिर मैं भी मना नहीं करती गाइज, मैं सोचती हूँ कि यार इसको बड़ी मुश्किल से तो एग्ज़ाम निपटे, बच्चों के प्रेशर कम हुआ है, और फिर ये क्या है ना कि बच्चों का फिर ऐसा हो जाता है कि मम्मा फिर बार बार पीछे पड़ गई है, पढ़ने के पीछे पड़ गई, तो अभी देखने दो इसको, एंजॉय करने दो, है ना दक्ष? Yes. मजा करेंगे अभी तो, है। और हाफ ईयरली एग्जाम निमटने के बाद आपको कैसा लग रहा है? फिनिश हो गए ना अब आपके? कैसा फील हो रहा है? लाइट बिल्कुल, है ना। बस 24 घंटे अगर रात को भी मम्मा अनुमति दे देना तो रात को भी ये टीवी देखने के लिए तैयार है गाइस। यस। मेरे खाने का टाइम हो गया है, तो खाना मैंने ले लिया है, ये है कचुंबर सैलड, ये थोड़े से पापड़ और ये साबूदाने के नमकीन, भिंडी की सब्जी, दाल, ये है आज का मेरा लंच। गाइस मैंने खाना वाना खा लिया है, मैंने सोचा थोड़ा सा गार्डन में घूम लूँ, अच्छा लगता है थोड़ा सा खाना वाना खाने के बाद में, एकदम से फिर वापस से लेट जाओ तो फिर वही है, खाना थोड़ा सा हजम नहीं होता। हालांकि आज के मेरे खाने में आपने देखा होगा कि मैंने चपाती बिल्कुल भी नहीं ली है, क्योंकि आज तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था गाइस कि मैं चपाती लूँ। फुल तो मैंने पनीर वाला जो सैलड था ना, मिक्स वेज वाला, वो ले लिया था, तो उससे भी मेरा बहुत अच्छी तरीके से पेट भर गया है, मतलब तो 1% भी जगह नहीं है मेरे पेट में। तो बस यही है कि थोड़ा थोड़ा घूम लेते हैं खाना खाने के बाद में, इससे खाना थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा पेट में। मैं कह रही हूँ दक्ष आ जाओ, दक्ष बाहर आ जा बेटा। दक्ष भी क्या है, बोर हो रहा है, अंदर ही अंदर टीवी देख रहा है, उसको मैं है ना थोड़ा सा जाऊँगी अभी कहीं, वो भी घूम लेगा मेरे साथ। हे गाइस मैं मिल रही हूँ आपको इवनिंग में, और खाना वगैरह बना करके अभी जस्ट किचन से आई हूँ। मैंने आज बनाए थे दक्ष के लिए गोलगप्पे, वो रेडीमेड वाले गोलगप्पे आते हैं जिसको फ्राई कर लेते हैं, एंड पानी का पैकेट आता है, तो वैसे मैंने इसके लिए बनाए थे, मसाला मैंने घर पे बनाया था। और आज शाम को ना मैं डिनर में चने वाली जो मसाला चाट होती है ना, मसाला चना वाली चाट होती है जो बॉईल करके बनती है, जो मैंने आपको दिखाई थी मार्केट में खा के आई थी मैं, वैसी मैंने ना घर पे बनाई है, तो वो मैं डिनर में डिनर उसका ही मैं करने वाली हूँ। बहुत टेस्टी लगती है वो सच में, उससे मतलब किसी भी तरह की आपको रोटी वाली क्रेविंग नहीं होती है, सॉरी गाइज। एंड मैं गई थी आज एक स्टूडियो में, तो वैसे ही मैं देखने गई थी, विज़िट करने गई थी कि स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गई थी, तो अभी मैं शाम को वापस जाने वाली हूँ, तो शायद वो वीडियो में आ जाएगा या शायद नहीं आए, तो उसका मैं अभी कंफर्म नहीं कर पाऊँगी। मैं वहाँ पे जाऊँगी, उसके बाद ही पूरा डिसाइड होगा गाइस। फ़िलहाल तो मैं ना थोड़ी देर बैठी हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद में थोड़ा रेडी वेडी होकर के फिर जाऊँगी शाम को। गाइज मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई हूँ, अभी जा रही हूँ मैं बाहर,
सुन लो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आज ये सूट है ना बहुत टाइम के बाद पहना है। मैंने इसको गणगौर के दिन पहना था, गणगौर पूजने गई थी ना मैं, तब मैंने इसके ऊपर प्योर की ओढ़नी डाली थी। एंड ये सूट बहुत सुंदर लगता है, इसकी जो फिटिंग है ना काफ़ी अच्छी मतलब दी थी, जिन्होंने भी सिला है ना उन्होंने बहुत अच्छी फिटिंग दी थी गाइस। कुछ इस तरीके से मेरा ये लुक है, पता नहीं मैं जब सिर पे ओढ़ती हूँ ना गाइस बिल्कुल भी ओढ़नी नहीं टिकती। मैं अभी आपको देखना ओढ़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं टिकती है, और कॉटन की ओढ़नी होने के बाद भी नहीं टिकेगी। ये देखना आप, ये देखना आप, ये देखो आप, ये लो नीचे चली गई ना। सो ऐसे मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, बट कोई नहीं, कैसे ना कैसे करके टिका ही लूँगी मैं इसको। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कल का व्लॉग ना मैं एंड नहीं कर पाई थी तो उसके लिए सॉरी, एंड अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मुझे बनानी है मेरे लिए एक ज्वार की मतलब सॉरी बाजरे वाली रोटी बनाऊँगी आज मैं, तो मैंने तवा चढ़ा दिया है, तो मैंने सोचा कि कल का व्लॉग तो मैंने एंड ही नहीं किया। ऐसा लगा आज का ये मेरा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, एंड यशवी कुमारी व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आपको एक नए एनर्जेटिक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।